27 मई 2023 को थाने के होटल प्रिंस रेसिडेंसी में कमरा नंबर 303 से 65 साल के एक सीनियर सिटीजन की डेड बॉडी मिली थी। इस मामले में थाने पुलिस ने जांच की, आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी जानकारी देते हुए देखिए डीसीपी श्री गणेश गावड़े ने क्या कहा। 27 मई 2023 को पुलिस स्टेशन थाने नगर में प्रिंस रेसिडेंसी इस होटल में रूम नंबर 303 में कारा भाई राम भाई सुहा 65 साल के सीनियर सिटीजन की डेड बॉडी मिली थी। ये डेड बॉडी मिलने पर पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर किया गया। वहाँ पे बीट मार्शल्स, पुलिस स्टेशन का स्टाफ, सीनियर पीआई, क्राइम पीआई, एसीपी और हमने भी वहाँ पे विजिट की थी। आरोपी अरेस्ट करने के लिए हमने सीसीटीवी चेक किए। उस रूम में एक 20 साल के लड़के का आना जाना था, वो उसकी सस्पिशियस मूवमेंट थी। उसको चेक किया तो वो होटल में काम करने 20 दिन से काम करने वाला वेटर था और उसने उसी दिन 3 बजे बताया था कि उसकी माँ बीमार है करके वो यूपी चला गया था। हमने चेक सीसीटीवी चेक किए, उसकी मूवमेंट ट्रेस की, टेक्निकल एनालिसिस और सीसीटीवी फुटेज, इनके एनालिसिस से हमें जानकारी मिली उसकी मूवमेंट रत्नागिरी में है। उसी वक्त जो डेथ हुई थी वो सीनियर सिटीजन, उनका मोबाइल और एटीएम कार्ड गायब था। वो एटीएम कार्ड से भी 80,000 रुपये रत्नागिरी से निकाले गए थे। उसके आधार पर हमारी एक टीम रत्नागिरी गई तो हमारी टीम रत्नागिरी पहुंचने तक वो गोवा गया था। गोवा हमारे ने टीम भेज दी, उसके बाद उसकी मूवमेंट कर्नाटक में हुई, कर्नाटक से उसकी मूवमेंट यूपी की तरफ हो रही थी। हमने एक टीम नागपुर में भी भेजी थी लेकिन आरोपी वहाँ पर मिला नहीं। फिर टेक्निकल एनालिसिस, सीसीटीवी चेक करना, ये कंटिन्यू कर हमारी टीम ने उसको उत्तर प्रदेश से उसको अरेस्ट किया। वो आरोपी नेपाल गया था, आरोपी के घर पर भी जाके हमने जानकारी ली थी। वो नेपाल से वापस आने तक हमारी टीम ने उसका इंतज़ार बॉर्डर पे किया। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर 26 घंटे हमारी टीम थी और वो हमारा एक्सपेक्टेड था 5 जून को वो आरोपी शाम को 6 बजे आने वाला था, वो उस वक्त आया नहीं। फिर भी हमारी टीम ने वहाँ पे वेट किया तो दूसरे दिन 6 तारीख को रात को 8 बजे वो आरोपी मिला। उस आरोपी को नेपाल और इंडिया के बॉर्डर से ठुटीबारी पुलिस स्टेशन ज्यूरिडिक्शन में अरेस्ट किया। इस अरेस्ट में हमारी टीम ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए। इसके साथ ही यूपी की एसटीएफ, गोरखपुर की एसटीएफ की बहुत अच्छी मदद हमें मिली। ये आरोपी से हमने एटीएम आरोपी से इंट्रोगेट किया तो आरोपी ने बताया वेटर का काम करते समय आरोपी जब इसके पास जाता था, वो सीनियर सिटीजन के पास, उनके पास एटीएम कार्ड था, उसने पैसे देखे थे। एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के लिए वो सीनियर सिटीजन ने उनको बताया था। उस वक्त उसको पिन, एटीएम का पिन भी मालूम हुआ था और उसमें बैलेंस ज़्यादा है ये मालूम था, इसलिए आरोपी ने वो पैसे के लालच में आकर आरोपी का वो सीनियर सिटीजन का मर्डर किया और एटीएम कार्ड और मोबाइल लेके वो भाग गया था। उसे लगा था वो पकड़ा नहीं जाएगा लेकिन पुलिस ने अच्छे एफर्ट्स लेके आरोपी को अरेस्ट किया। इसके लिए पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई श्री रनौरे, क्राइम पीआई जो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पीआई ताकसांडे, पुलिस स्टेशन के पीएसआई डुम्मलवाड़, पीएसआई बाराते, एपीआई शेवाड़े, पीएसआई अजीत बड़े, टेक्निकल एनालिसिस की टीम में पीएसआई मकानदार और पुलिस कांस्टेबल माली और बाकी पूरी टीम ने अच्छे प्रयास किए हैं। आरोपी पढ़ाई करने वाला वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट है सर, परफेक्टली क्राइम दिया गया, आरोपी ने किस पिक्चर को फॉलो किया, किस तरीके से उसने पूरा क्या बताया इंट्रोडक्शन में, क्या क्यों इतना आरोपी को, आरोपी का पहले का रिकॉर्ड नहीं है लेकिन जब उसने पैसे देखे एटीएम कार्ड में, बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे, तो उसके मन में लालच पैदा हुआ और लालच की वजह से उन्होंने उसने मर्डर किया। सर जिस तरीके से लोग होटल वगैरह में रहते हैं रेंट वाइज, जैसे कई दूर से आना होता है तो उन लोगों के आह्वान करना कि अपना एटीएम किसी को ना दे, अपने बारे में किसी को ना ज़्यादा बताए, जितना काम हो उतने किस वजह से गलत हो। बिल्कुल, अपने एटीएम का पासवर्ड, सिर्फ एटीएम का ही नहीं तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, अपने मोबाइल का पासवर्ड, ईमेल का पासवर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड होगा तो वो किसी को देना नहीं चाहिए। एटीएम का पासवर्ड उसने वो आरोपी को दिया इसलिए उनकी जान चली गई। मैं आफरीन शेख, आप देख रहे थे टुडेज वॉइस न्यूज़।